उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। कोई उनकी मौत की बात कर रहा है तो कोई उनके ब्रेन डेड होने की बात कर रहा है। कई अखबारों में तो किम जोंग उन के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यहाँ तक कयास लगा दिए गए हैं। लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन जिंदा हैं और स्वस्थ भी। उनकी पुष्टि तो स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। लेकिन किम बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये एक प्रश्न है। और शायद हकीकत भी कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। संभवतः वो इतने बीमार हैं कि कहीं भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। उनके दिल का दौरा पड़ने तक की खबरें आ रही थीं कि इसी बीच किम जोंग उन पर नया खुलासा हुआ है। ये दावा किम जोंग उन की बरकस पार्टी के पूर्व अधिकारी ली जियोंग ने किया है। पूर्व अधिकारी का दावा है कि किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण करने के दौरान घायल हो गए थे। यही वजह है कि वो 11 अप्रैल के बाद लोगों के बीच दिखाई नहीं दे रहे हैं। ली जियोंग ने दक्षिण कोरिया के एक अखबार में लिखा था कि तानाशाह ने मिसाइल परीक्षण का आदेश दिया था, संभवतः वे इसी दौरान घायल हो गए थे। इसी के साथ उन्होंने इन खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया कि किम जोंग उन की मौत या उनका ब्रेन डेड हो गया है। उसके बाद भी किम जोंग उन के बारे में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल किम के दादा एवं उत्तर कोरिया के संस्थापक की 15 अप्रैल को 108वीं जयंती थी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किम जोंग उन शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद से ही उनकी तबीयत खराब होने की अफवाहें फैल गई थी। उत्तर कोरिया ने अपने शासक के खराब स्वास्थ्य की अफवाहों से इनकार नहीं किया है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों के आधार पर कुछ खबरें आई हैं कि एक ट्रेन जो शायद किम की है वो एक सप्ताह से उनके परिसर में खड़ी है। वहीं दक्षिण कोरिया की प्रमुख वेबसाइट डेली एनके की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन को 12 अप्रैल को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रोसीजर दिया गया। न्यूज साइट के मुताबिक किम को स्मोकिंग, मोटापे और ज्यादा काम करने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर रखा गया था। 2012 में किम जोंग उन का वजन 90 किलो था, जो अब बढ़कर 130 किलो तक पहुंच गया है। यानी 4 साल में तानाशाह का वजन 40 किलोग्राम बढ़ा है। बीमारी की अटकलों के बीच उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन में कहा गया है कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के सैमजियोन शहर को फिर से बसाने में मदद करने वाले वर्करों का शुक्रिया अदा किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का एक संदेश सरकारी टीवी चैनलों पर भी प्रसारित किया गया है। इस संदेश में किम जोंग उन ने वॉन्सन में रिसोर्ट बनाने वाले मजदूरों का शुक्रिया अदा किया है। टीवी रिपोर्ट में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि किम जोंग जीवित हैं और स्वस्थ हैं। दुनिया के संभवतः सबसे गुप्त और संदिग्ध गतिविधियों वाले देश को लेकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना बेहद कठिन है। उत्तर कोरिया की सेना या सुरक्षा कर्मियों के पास भी किम के स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है। सिर्फ उनकी ताकत पर बहन किम यो जोंग सहित कुछ शीर्ष लोगों के साथ खास बातें शेयर की जाती हैं। उत्तर कोरियाई तानाशाह की सेहत को लेकर जारी अटकलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि किम जोंग उन जीवित हैं। ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उन को लेकर अटकलों के बाद उन्होंने तानाशाह के ठीक होने की कामना की है। ट्रंप ने कोविड-19 के डेली ब्रीफिंग के दौरान किम जोंग उन को लेकर हार्ट सर्जरी के दौरान ब्रेन डेड होने की खबर चलाने के लिए CNN की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है। मैं सुन रहा हूं कि इस न्यूज के लिए उन्होंने पुराने दस्तावेज का इस्तेमाल किया है।